हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सीरीज का एक वीडियो है। और इस वीडियो में हम Newgrp कमांड का यूज सीखेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। Newgrp कमांड किसी यूजर को ये अलाउ करता है कि वह करंट लॉगिन सेशन में किसी दूसरे ग्रुप में लॉगिन कर सकता है। दूसरे शब्द हम कहें तो Newgrp कमांड का यूज करंट ग्रुप आईडी को चेंज करने के लिए किया जाता है करंट लॉगिन सेशन में। अगर कोई यूजर लॉगिन है और उसी लॉगिन सेशन में उसे किसी दूसरे ग्रुप में लॉगिन करना है या फिर उसे करंट ग्रुप आईडी चेंज करना है तो उसके लिए Newgrp कमांड का यूज किया जाता है। यदि आप Newgrp कमांड के साथ में हाइफन यूज करते हैं तो उस यूजर के लिए यूजर एनवायरमेंट फिर से इनिशियलाइज होता है। यदि आप हाइफन यूज नहीं करते हैं तो जो करंट एनवायरमेंट है वही यूज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है Newgrp कमांड के साथ में। जब आप Newgrp कमांड यूज करेंगे तब कौन कौन सी कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये कि जब हम Newgrp कमांड यूज कर रहे हैं तो कौन सा यूजर किस ग्रुप में लॉगिन कर सकता है, ये हमें देखना है। फर्स्ट ये है कि अगर ग्रुप पे पासवर्ड सेट नहीं है, यानी ग्रुप हैज ब्लैंक पासवर्ड, देन वही यूजर उस ग्रुप में लॉगिन कर सकता है जो उस ग्रुप का मेंबर है या फिर वो रूट यूजर है। केवल रूट यूजर और ग्रुप मेंबर ही उस ग्रुप में लॉगिन कर सकते हैं अगर उस ग्रुप पे पासवर्ड सेट नहीं है। नॉन ग्रुप मेंबर उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रुप पे पासवर्ड सेट है तो नॉन ग्रुप मेंबर, ग्रुप मेंबर और रूट यूजर, तीनों तरह के यूजर उस ग्रुप में लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आप लॉगिन कर रहे हैं किसी यूजर से किसी ग्रुप में, तब किस यूजर के लिए पासवर्ड पूछेगा, किस यूजर के पासवर्ड नहीं पूछेगा उस ग्रुप में लॉगिन करने के लिए, ये देख लेते हैं। इफ द यूजर इज रूट, ही और सी विल नॉट बी प्रॉम्प्टेड फॉर ए पासवर्ड। अगर रूट यूजर किसी ग्रुप में लॉगिन कर रहा है तब वह पासवर्ड नहीं पूछेगा, यानी रूट यूजर विदाउट पासवर्ड के भी किसी ग्रुप में लॉगिन कर सकता है। सेकेंड है, इफ द यूजर इज नॉट रूट, यानी अगर हम नॉन रूट यूजर से लॉगिन कर रहे हैं किसी ग्रुप में तो वह पासवर्ड पूछेगा। उसमें दो कंडीशन है, अगर उस यूजर पे पासवर्ड सेट नहीं है और ग्रुप पे पासवर्ड सेट है, ठीक है। अगर ग्रुप पे पासवर्ड सेट है और उस यूजर पे पासवर्ड सेट नहीं है जिससे हम उस ग्रुप में लॉगिन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप मेंबर ही क्यों ना हो, यानी ग्रुप द यूजर हैज नो पासवर्ड बट द ग्रुप डज, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब वह यूजर उस ग्रुप में लॉगिन करेगा तब वह पासवर्ड पूछेगा। अगर उससे अगर वो इनवैलिड पासवर्ड प्रोवाइड करता है तो वह यूजर उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर पाएगा। सेकंड कि अगर वह ग्रुप यूजर उस ग्रुप का मेंबर नहीं है और ग्रुप पर पासवर्ड सेट है तब भी पासवर्ड पूछेगा। नॉन ग्रुप मेंबर चाहे ग्रुप पासवर्ड सेट हो चाहे नहीं हो, जब भी लॉगिन करेगा तब पासवर्ड पूछेगा। अगर पासवर्ड सही प्रोवाइड करता है, ग्रुप पे पासवर्ड है, पासवर्ड सेट है और पासवर्ड सही प्रोवाइड करता है तो वही यूजर उस ग्रुप में लॉगिन कर सकता है। अगर ग्रुप पे पासवर्ड सेट नहीं है और नॉन ग्रुप मेंबर उस ग्रुप में लॉगिन करता है तो वह पासवर्ड पूछेगा, लेकिन उस समय तो कोई पासवर्ड होगा नहीं, इस वजह से वह यूजर उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर पाएगा। यानी सीधे सीधे अगर कहें तो नॉन ग्रुप मेंबर किसी ग्रुप में लॉगिन नहीं कर सकता है अगर उस ग्रुप पर पासवर्ड सेट नहीं है। तो नॉन ग्रुप मेंबर किसी ग्रुप में तभी लॉगिन कर सकता है जब ग्रुप पर पासवर्ड सेट हो। उसके बाद अगर किसी ग्रुप की /etc/gsudo फाइल में एंट्री है तब वह ग्रुप लिस्ट ऑफ मेंबर्स और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन /etc/gsudo फाइल से लेगा।
अगर किसी ग्रुप की /etc/gshadow फाइल में एंट्री नहीं है तब वह इस दोनों इंफॉर्मेशन /etc/group फाइल से लेगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिंटैक्स क्या होता है newgrp कमांड का, newgrp --group। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए। सबसे पहले हम दो यूजर क्रिएट कर लेते हैं, दो यूजर अकाउंट, user8 space a1 user8 space a2। अब एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप 8 माय ग्रुप, ठीक है। अभी न तो यूजर पे पासवर्ड सेट है नहीं ग्रुप पे पासवर्ड सेट है, ठीक है। तो यूजर 8 जो हमने A1 यूजर अकाउंट क्रिएट किया है उसको हम माय ग्रुप ग्रुप का मेंबर बना देते हैं। तो किसी ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए कमांड यूज होता है gpasswd --a --username --my-group। तो यूजर A1 ग्रुप अकाउंट माय ग्रुप का मेंबर बन चुका है। चेक कर लीजिए get/etc/group। तो देख लीजिए यहां पर माय ग्रुप का मेंबर है A1, ठीक है। अब हम passwd --s A1 इस कमांड के सहायता से हम A1 की पासवर्ड इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो इस पे देखिए पासवर्ड स्टेटस क्या बता रहा है, LK यानी लॉक पासवर्ड, पासवर्ड इस पे इसका जो पासवर्ड है वो लॉक है ऐसा बता रहा हूं, ठीक है। वही हम इसके भी चेक कर लेते हैं passwd --s A2। तो इसके लिए भी लॉक पासवर्ड बता रहा है। अब हम A1 से लॉगिन करते हैं। A1 और A2 पे फिलहाल कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है लेकिन उसका जो पासवर्ड स्टेटस है वो लॉक पासवर्ड बता रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले A1 से लॉगिन कीजिए su-A1। तो अभी हम A1 से लॉगिन कर चुके हैं तो इसकी करंट ग्रुप आईडी चेक कर लीजिए। उसके लिए कमांड है आईडी, तो इसकी जो करंट ग्रुप आईडी है वो है 1004 और जिस ग्रुप की ग्रुप आईडी है वो ग्रुप उस ग्रुप का नेम है A1। अब हम दूसरे ग्रुप में लॉगिन करते हैं newgrp --my-group। तो देख लीजिए A1 उस ग्रुप का मेंबर है इसलिए इसने पासवर्ड नहीं पूछा, डायरेक्ट उस ग्रुप में लॉगिन हो गया आईडी। तो चेक देख लीजिए यहां पर इसकी जो ग्रुप आईडी है वो यहां पर चेंज हो चुकी है, पहले 1004 आ रही थी अब क्या रहा है 1006 जो माय ग्रुप की ग्रुप आईडी है, ठीक। तो यहां पर हमने चेक किया कि जब भी कोई ग्रुप मेंबर किसी ग्रुप में लॉगिन करेगा तो विदाउट पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकता है अगर उस यूजर का पासवर्ड लॉक है या फिर उस यूजर का पासवर्ड सेट है। अभी माय ग्रुप ग्रुप अकाउंट पर कोई पासवर्ड सेट नहीं था फिर भी A1 विदाउट पासवर्ड के भी लॉगिन हो चुका है, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि ग्रुप A1 का जो पासवर्ड था वो लॉक पासवर्ड शो कर रहा था इसलिए वो लॉगिन हो गया है। अब हम A2 से चेक करते हैं। तो सबसे पहले रूट यूजर से लॉगिन कीजिए admin-123। उसके बाद su-A2। A2 माय ग्रुप ग्रुप अकाउंट का मेंबर नहीं है, लॉगिन करके देख लीजिए माय ग्रुप, सॉरी पहले हम आईडी चेक कर लेते हैं 1005। उसके बाद newgrp --my-group
देख लीजिए पासवर्ड पूछ रहा है, हमने तो ग्रुप पे कोई पासवर्ड सेट किया ही नहीं है, इसलिए हम पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नॉन ग्रुप मेंबर किसी ग्रुप में लॉगिन नहीं कर सकता है अगर उस ग्रुप का पासवर्ड नहीं सेट है। तो नॉन ग्रुप मेंबर तभी लॉगिन कर सकता है किसी ग्रुप में जब उस ग्रुप के पासवर्ड सेट हो। ठीक है, अब मैं यूजर का पासवर्ड जो है वो डिलीट कर देता हूं, पास wd-d-a1। सॉरी, ये रूट यूजर ही कर सकता है, इसलिए पहले सबसे पहले रूट यूजर से लॉगिन कीजिए, उसके बाद पास wd-d-a1, पास wd-s-a1। तो देख लीजिए अब यहाँ पर बता रहा एनपी, एनपी यानी एम्प्टी पासवर्ड या नो पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए ग्रुप पे कोई पासवर्ड सेट नहीं है, चेक कर लीजिए /etc/gshadow। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ग्रुप पे कोई पासवर्ड सेट नहीं है, माय ग्रुप अकाउंट पे कोई पासवर्ड सेट नहीं है। ठीक है, और यूजर पे भी कोई पासवर्ड सेट नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि अब ये ग्रुप मेंबर उस ग्रुप में लॉगिन कर पाता है या नहीं, su-a1। आईडी, इसकी करंट ग्रुप आईडी है 1004, और उसके बाद न्यू जीआरपी कमांड एग्जीक्यूट कीजिए, न्यू जीआरपी माई ग्रुप। तो देख लीजिए अब की बार ये पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन अब भी माई ग्रुप अकाउंट पर कोई पासवर्ड सेट नहीं, इसलिए हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो A1 माई ग्रुप का मेंबर है, लेकिन A1 यूजर पे पासवर्ड सेट नहीं है, उस पर एम्प्टी पासवर्ड सेट है, और उसी प्रकार माई ग्रुप अकाउंट पर भी पासवर्ड सेट नहीं, लेकिन उस पे यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर हमने चेक किया था, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क सिंबल डिस्प्ले कर रहा था, यानी जब भी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क सिंबल होगा डिस्प्ले होगा और कोई यूजर चाहे ग्रुप मेंबर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उस यूजर पे पासवर्ड सेट नहीं, एम्प्टी पासवर्ड है, तब वह यूजर किस उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर सकता चाहे वो ग्रुप मेंबर ही क्यों ना हो। उसके बाद अब हम ग्रुप पे पासवर्ड सेट कर देते हैं, न्यू जीआरपी सॉरी जी पास wd, पहले रूट यूजर से लॉगिन कर देते हैं, admin@123 जी पास wd न्यू जीआरपी माई ग्रुप, पासवर्ड हम इसका एड कर देते हैं admin@123 admin@123। तो इस ग्रुप का पासवर्ड सेट हो चुका है, /etc/gshadow5। तो देख लीजिए यहाँ पर इस ग्रुप का पासवर्ड सेट हो चुका है। अब आप A1 से लॉगिन कीजिए, आईडी न्यू करंट ग्रुप आईडी है 1004, न्यू जीआरपी स्पेस माय ग्रुप। तो पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि यूजर A1 पर कोई पासवर्ड सेट नहीं है। अब आपको ग्रुप का पासवर्ड टाइप करना है, तो देख लीजिए यहां पर ग्रुप A1 यूजर उस ग्रुप में लॉगिन हो चुका है 1006, जिसकी ग्रुप आईडी है। उसी प्रकार हम A2 से लॉगिन करते हैं, su-a2 उस ग्रुप का मेंबर नहीं है। यहां पर आपको ग्रुप का पासवर्ड टाइप करना है, तो देख लीजिए अब की बार
इस बार ए टू बी उस ग्रुप में लॉगिन हो चुका है क्योंकि ग्रुप पे पासवर्ड सेट है। तो नॉन ग्रुप मेंबर तभी लॉगिन कर सकते हैं किसी ग्रुप में जब उस ग्रुप पे पासवर्ड सेट हो 1006। अगर किसी ग्रुप पे पासवर्ड सेट नहीं है तो नॉन ग्रुप मेंबर उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ये हम देखा है। फिर से रूट यूजर से लॉगिन कीजिए। अब मैं ग्रुप का पासवर्ड रिमूव करने से पहले अब हम उस ग्रुप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि नॉन ग्रुप मेंबर उस ग्रुप में लॉगिन ना कर पाए। जी पास डब्ल्यू डी देख लीजिए पहले केट स्लैश एटीसी जी सेडो फाइल। यहां पर अभी जो इंफॉर्मेशन है पासवर्ड है वो ये सेट है ठीक है माय ग्रुप पर। जी पास डब्ल्यू डी स्पेस हाइफन कैपिटल आर और माय ग्रुप। हम उस ग्रुप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि नॉन ग्रुप मेंबर उस ग्रुप में लॉगिन ना कर पाए। तो देख लीजिए जी पास डब्ल्यू डी हाइफन आर माय ग्रुप ठीक है। ये हमने कमांड एग्जिट किया है उस ग्रुप को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ठीक है। वापस वो कमांड चेक कर लीजिए। तो देख लीजिए अब की बार यहाँ पर जैसे आप कमांड एग्जिट करेंगे तो पासवर्ड की जगह एक्सक्लेमेशन सिंबल एड हो जाएगा। तो इस कारण जो नॉन ग्रुप मेंबर होंगे वो उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर पाएंगे एस यू हाइफन ए टू आई डी न्यू जी आर पी स्पेस माई ग्रुप। तो देख लीजिए पासवर्ड में टाइप करता हूँ ग्रुप का एडमिन एट द रेट 123। यहाँ बता रहा है इनवैलिड पासवर्ड तो वो यूजर उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो नॉन ग्रुप मेंबर है। तो जब आप किसी ग्रुप अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तब नॉन ग्रुप मेंबर या फिर वह यूजर जिस पर पासवर्ड सेट नहीं है ब्लैंक पासवर्ड सेट है वो उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर पाएंगे ठीक है। अब मैं A1 पर पासवर्ड सेट करता हूं पास डब्ल्यू डी A1 पर पासवर्ड सेट हो चुका है और A1 से हम ट्राई करते हैं A1 आईडी न्यू जीआरपी माय ग्रुप। तो देखिए इस बार इसने पासवर्ड नहीं पूछा है क्योंकि A1 पर पासवर्ड सेट है ठीक है। अब हम ग्रुप का पासवर्ड रिमूव कर देते हैं ग्रुप जी पास डब्ल्यू डी स्पेस हाइफन स्मॉल आर ऑप्शन और उसके बाद माय ग्रुप। तो इस ग्रुप का पासवर्ड रिमूव हो चुका है आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहां पर कोई पासवर्ड इसका सेट नहीं है माई ग्रुप अकाउंट पर ठीक है। तो अब इस ग्रुप में सिर्फ ग्रुप मेंबर और रूट यूजर ही लॉगिन कर सकते हैं ठीक है। तो मैं पासवर्ड केट स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यू डी हाइफन ट्रिपल एस और A1 पर अभी पासवर्ड सेट है। अब मैं पासवर्ड उसका रिमूव कर देता हूँ पास डब्ल्यू डी स्पेस A1। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पासवर्ड रिमूव कर दिया एनपी एम्प्टी पासवर्ड ठीक है। अब हम लॉगिन करते हैं A1 से और उसमें दूसरे ग्रुप में लॉगिन करते हैं माय ग्रुप अकाउंट में लॉगिन करते हैं आईडी उसके बाद न्यू जीआरपी कमांड स्पेस माय ग्रुप। तो देख लीजिए न तो ग्रुप पे पासवर्ड सेट है और न ही यूजर अकाउंट पर पासवर्ड सेट है तब भी A1 विदाउट पासवर्ड के भी उस यूजर में उस ग्रुप में लॉगिन हो चुका है। यानी जब किसी ग्रुप अकाउंट पर ब्लैंक पासवर्ड सेट हो एम्प्टी पासवर्ड सेट हो और किसी यूजर अकाउंट पर भी एम्प्टी पासवर्ड सेट हो
तब उसे पासवर्ड की इंफॉर्मेशन, तब वह बिना पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकता है। यदि किसी ग्रुप पर ब्लैंक पासवर्ड सेट है या एम्प्टी पासवर्ड सेट है, तब ग्रुप मेंबर विदाउट पासवर्ड के भी उस ग्रुप में लॉगिन कर सकते हैं, चाहे ग्रुप पे उस यूजर अकाउंट पर पासवर्ड सेट हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो ग्रुप मेंबर होना चाहिए। नॉन ग्रुप मेंबर उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। यदि किसी ग्रुप पर ब्लैंक पासवर्ड या एम्प्टी पासवर्ड सेट हो, तब रूट यूजर और ग्रुप मेंबर में भी किसी भी तरह के यूजर, चाहे किसी यूजर पर पासवर्ड सेट हो चाहे नहीं हो, वो उसमें लॉगिन कर सकते हैं। नॉन ग्रुप मेंबर उस ग्रुप में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। SU-123 clear SU-A2 ID newgrp space my group, एंटर। तो देखिए A2 उस बार लॉगिन नहीं कर पाया क्योंकि ग्रुप पे पासवर्ड सेट नहीं है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि newgrp कमांड का यूज क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।